जो है वो इस्लामी महीने के हिसाब से पूरी की जाती है या वो अंग्रेजी महीने के हिसाब से, उस बारे में मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा था। जी ज़रूर अर्ज़ करेंगे। तो इद्दत जब गुजारनी है औरत ने, कोई सी भी इद्दत, तो महीना कौन सा, शमसी या कमरी, यानी ईसवी या जनवरी फरवरी हिजरी। वाला महीना या मुहर्रम सफ़र वाला महीना, किसका इतबार किया जाएगा? देखें, इद्दत के जो अय्याम हैं उसमें दो तरह की बातें हैं। नंबर एक, अगर जो इंतकाल हुआ शोहर का वो हुआ महीने के दरमियान में, ठीक है, यानी पहली तारीख को नहीं हुआ, 2, 3, 4, 5 से लेके आखिर तक इंतकाल हुआ, तो इस सूरत में जो इद्दत होती है वो दिनों के हिसाब से होती है। अब जो इद्दत गुजारनी है वो पूरे 130 दिन गुजारने हैं। सही, सही। तो अब ना इसमें कमरी रहेगा ना शमसी रहेगा, मौत की इद्दत। मौत की इद्दत तो वो रहेंगे, क्योंकि उसमें तो महीनों का मामला ही नहीं है। ठीक है, तो मौत की इद्दत के हवाले से ये है कि चूंकि जब दरमियान में इंतकाल हुआ तो अब पूरे 130 दिन गुजारने हैं। मसलन मुहर्रम की 3 तारीख को शोहर का इंतकाल हुआ, ठीक है, तो अब उसकी इद्दत शुरू हो गई जिस वक्त से इंतकाल हुआ। अब ये दूसरा दिन होगा तो ये एक दिन हो गया, इस तरह 130 दिन पूरे करने हैं। तो है। इसमें शमसी कमरी ये बराबर हो जाएंगे, बस पूरे 130 दिन पूरे होंगे और इसकी इद्दत तमाम हो जाएगी। और अगर महीने की इब्तदाई तारीख में इंतकाल हुआ, पहली तारीख के अंदर इंतकाल हुआ शोहर का, तो अब इस सूरत में हुक्म है कि ये 4 महीने 10 दिन गुजारेगी, यानी इसने पूरे 4 महीने 10 दिन गुजारने। अब ये कमरी महीने यानी मुहर्रम सफर वगैरह इस्लामी महीने इस अंदाज में गुजारेगी कि 4 महीने तो चांद के हिसाब से पूरे होंगे, 4 30 होते हैं, 29 होते हैं, जितने भी हैं वो 4 महीने गुजर जाएंगे। इसके बाद जो 10 दिन हैं इसने मजीद ये गुजारने हैं, तो ये फिर इसमें इस्लामी महीनों का लिहाज होगा। अलबत्ता यहाँ पर एक बात अर्ज करता चलूँ कि उमूमी तौर पर ये बात पूछने के बाद ये लोग समझ, यानी ये लोगों का जो मकसद होता है वो ये होता है कि औरत इद्दत से खड़ी हो गई, अब उसके बाद उसने घर से निकलना है, अपने भाई के घर जाना है, या बाज़ मकामात पर मस्जिद दिखाने का रिवाज होता है, तो ये चीज़ें देखें, इद्दत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इद्दत नाम है वक्त का, ठीक है, इंतकाल हुआ या तलाक हुई, इसके बाद एक टाइम पीरियड का नाम जो है वो इद्दत है। और इद्दत के अहकाम ये होते हैं कि उसने घर से बाहर नहीं निकलना, उसने जीनत नहीं करनी, ठीक है, ठीक है, यानी किसी को नाउज़ु बिल्लाह 3 तलाक़ें हो गई या शोहर का इंतकाल हो गया, तो अब इसके लिए हुक्म ये है कि इसने इद्दत में ना घर से बाहर निकलना है, ना उसने जो है वो अपना जीनत करनी है, मेकअप वगैरह, फैशन वगैरह जो जो मामलात होते हैं जीनत के, वो उसने नहीं करने। अब जब 4 महीने 10 दिन इसके हो गए या 130 दिन इसके हो गए, तो इस पर ये लाजिम नहीं है कि वो घर से बाहर निकलेगी, ठीक है, यानी ये समझते हैं कि घर से बाहर निकलना ज़रूरी है, हालांकि ऐसा नहीं है। यानी 130 दिन के बाद अगर एक दिन ऊपर हो गया तो औरत गुनाहगार नहीं होगी कि वो घर से बाहर नहीं निकली, वो अगर एक यानी 130 दिन की जगह 1030 दिन भी बैठी रहती है, घर से बाहर नहीं निकलती किसी काम बगैर किसी वजह के, तो उस पर कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, वो घर में ही बैठी रहे, औरत को घर में ही उमूमी घर में ही बैठना अच्छा है, तो अगर वो बाहर नहीं निकलती तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और मस्जिद दिखाना, भाई के घर जाना, ये अपनी रस्म है, समझ लिया गया कि इद्दत पूरी होगी तो एक दफा बाहर लाजमी लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है के अंदर, ठीक है, घर के अंदर रहेगी, ठीक, और ये सारे मामला। अच्छा हुजूर, आपने ये मौत की इद्दत का बताया, आप ज़िमनन तलाक का भी बता दें ताकि सबको मालूम आता हो जाए। तलाक की इद्दत जो होती है वो जो मेंसिस होते हैं उसके हिसाब से होती है, जिसको बोलते हैं, तो जब तलाक दी तो उसके बाद 3 हैज जो है ये इसकी इद्दत होती है, जबकि वो हामिला ना हो, ठीक है, हामिला अगर है तो चाहे मौत की इद्दत हो, प्रेग्नेंट है तो चाहे मौत की इद्दत हो चाहे वो तलाक की इद्दत हो, इस सूरत में तो बच्चे के पैदा होने तक जो है वो इद्दत रहेगी, चाहे अच्छा। वो एक दिन में पैदा हो जाए चाहे वो 9 महीने में जाके पैदा हो, जब भी पैदा होगा तो उसकी इद्दत उस वक्त खत्म होगी, खत्म, हाँ, जब जब बच्चा पैदा होगा। तो बाकी जो अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो हामला नहीं है तो इस सूरत में फिर जो तलाक की इद्दत है वो उसमें ये देखा जाएगा कि उसकी उम्र क्या है, अगर 55 साल से कम उसकी उम्र है तो इसको 3 हैज जो है वो गुजारने होंगे, और 55 साल से इसकी ऊपर उम्र हो चुकी है और उसको हैज आना बंद हो गए तो उसने 3 महीने गुजारने, ठीक है, तो इससे इसकी इद्दत ये पूरी हो जाएगी।